पंजाब असेंबली की तहलील में सिर्फ चंद मिनट बाकी। गवर्नर ने अभी तक असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। रात 10:10 पर 48 घंटे मुकम्मल होने के बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली तहलील होने के एक हफ्ते में केपी असेंबली तहलील कर देंगे। शहबाज शरीफ को पहली बार इम्तिहान में डालेंगे। इमरान खान का इंटरव्यू का हाथ। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट कब लेना है उसका फैसला कल इजलास में करेंगे। नून लीग का पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों में भरपूर इलेक्शन लड़ने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। लीगी खायद की इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। कराची हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन कल ही होंगे। सिंध हुकूमत की इल्तवा की एक और दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। हुकूमत को सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मल दरामद के लिए तैयार। पुलिस और जिला इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर तआवुन की हिदायत। शर्जी का नाम मेमन बोले, सिक्योरिटी खदशात है लेकिन हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के पाबंद हैं। एमक्यूएम का तमाम खदशात के बावजूद कल बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। खालिद मकबूल की सदारत में राबता कमेटी के हम बैठक बाज़ाब्ता ऐलान कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। और सीटीटी पेशावर का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान सीटीटी के मुताबिक इतला थी सरबन थाने पर हमले के सहूलतकार सरबन शिनवारी में मौजूद है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बारूदी मवाद बरामद। सरबन थाने में हमले का मुकदमा दर्ज।